हाय गाइज, आज राजनीति शास्त्र अध्ययन का तीसरा क्लास है, तीसरा लेक्चर है। तो आइए चलिए देखते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिछले लेक्चर टू में जब मेरा था पहला दूसरा क्लास जब मैंने लिया था उस समय 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था, तो आज उसके आगे से 51 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो वो है 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिस दिन संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षरित किया उस दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 284 रह गई। जिस दिन संविधान सभा के सदस्य इस पर हस्ताक्षरित किए थे उस दिन 284 रह गई थी, और जबकि पहले जिस समय संविधान सभा में हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, जिस समय संविधान सभा बना था उस समय 389 सदस्य थे इसके, लेकिन बाद में घटकर 284 रह गई थी। अगला जो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हालांकि इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। प्रथम बैठक जो है, बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी मैं लेक्चर वाले क्लासेस ले रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना। ये जो क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला जो क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा समर्पित किया था। एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और चलिए, ये पूरे वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्स से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है वह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और अगला, जब मूल रूप से संविधान सभा संविधान 26 जनवरी 1949 को बना तब उसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। जिस समय संविधान मूल रूप से बना था 26 जनवरी 1949 को तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि संविधान जिस समय बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी या कितने अनुच्छेद थे या कितने भाग थे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था संविधान बनाने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप स्वीकार किया गया, प्रारूप स्वीकार किया था। ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 22 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा उसे स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को।
अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। ये राष्ट्रगान को स्वीकार कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को। जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान संसद का प्रथम निर्वाचन 1952 में आयोजित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संसद का निर्वाचन, प्रथम निर्वाचन कब आयोजित किया गया, प्रथम निर्वाचन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन, मतलब संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में। आगे चलिए देखते हैं, 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किए जाने का कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये अक्सर ये बात सोचते होंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए भारतीय संविधान को उसी दिन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कुल अधिवेशन 11 हुआ था संविधान बनाने में और कुल बैठक 165 हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया वो 114 दिन बहस उस पर हुई थी। देखिए एक बात इसका इस पर ध्यान दीजिए कि मैंने फेसबुक पर एक पेज बना रखा है और ग्रुप भी चला रहा हूँ, तो उसमें आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और ग्रुप फेसबुक पर सर्च कीजिएगा सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर, तो आपको दिख जाएगा, तो आप उसे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए आगे, अगला क्वेश्चन जो है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने। अगला है, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति का प्रावधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायाधीशों का निष्कासन, वित्तीय आपात, संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये सब इतनी सारी जो चीज़ें हैं जैसे इम्पोर्टेंट में, ये मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्याय प्रस्तावना हो गया, सर्वोच्च न्यायालय व उनके न्यायाधीश हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विधि निर्माण जैसे कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, विधि का शासन, एक हरी नागरिकता की पद्धति तथा मंत्रियों के उत्तरदायित्व तो वाली संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और अगला जो है, गणतंत्र जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है, वो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। ये सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अगला जो है, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलिए देखते हैं, जर्मनी का वेमर सिद्धांत, मतलब आपातकाल लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। अगला, कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंध विषयक प्रावधान, मतलब कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य के संबंध में प्रावधान लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के इन संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। अगला जो है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची व्यापार वाणिज्य तथा परस्पर संपर्क से संबंधित प्रावधान किया गया है। आइए आगे, विधानसभा में अंबेडकर का निर्वाचन
पश्चिम बंगाल से हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर थे तो उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये अगला क्वेश्चन जो है, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का सदस्य 1948 में बनाएगा। जिस समय संविधान सभा बन रही थी उस समय एक ये सदस्य जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके जगह पर टीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का सदस्य 1948 में बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे जो है, ये सब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्रांति संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। अगला संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधी और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। जिस समय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने 22 समितियों का गठन किया था उस समय 10 प्रक्रिया संबंधित तथा 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। अगला देखते हैं, केशवानंद भारती के वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। तो मूल ढांचा का सिद्धांत किसने दिया? तो वो केशवानंद भारती के वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। अगला जो है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान के में 42वें संशोधन के तहत 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो वो तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला जो पूछा गया था, सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची में भारत के 29 राज्य व 7 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। जो अनुसूची थी स्टार्टिंग में जिस समय संविधान बना था उस समय तो 8 ही अनुसूची थी, तो पहला अनुसूची में भारत के 29 राज्य व 7 संघ राज्य क्षेत्रों, यहाँ देखते हैं। दूसरा जो अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति, राज्य उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी जो लोग हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो विधानसभा के सभापति, अध्यक्ष, ये जितने भी हैं उन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। और तृतीय अनुसूची में इन सभी के जितने भी मैंने अधिकारियों के नाम बताए हैं उन सभी अधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित उल्लेख किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। जो चौथा है, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवें अनुसूची में देखते हैं कि विभिन्न अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। जो पांचवें अनुसूची है, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची जो है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो के, मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी का PDF अगर चाहिए तो आप इस लिंक पर जाइएगा, इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, या गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सूची जो है मैं केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था, बंटवारा किया गया और इसके अंतर्गत तीन सूचियां थी। यह कनाडा के संविधान से लिया गया था।
इसमें जो है कि तीन सूची कौन कौन थी, संघ सूची थी, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या था कि इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने पर इसे लागू होने के समय, उस समय 97 विषय थे जो संघ सूची है। दूसरा जो था कि राज सूची, तो राज सूची में राज सरकार कानून बनाती थी और उस समय जिस समय बना था ये, उस समय 66 विषय थे इसमें। अगला जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। इस विषय में कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा कानून ही मान्य होगा, मतलब कि राज्य और संघ या फिर केंद्र सरकार में जो भी कानून बनाने की प्रावधान है वो केंद्र द्वारा ही कानून बनाया हुआ मान किया जाएगा इसमें। और अगला जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था जो पहले 14 भाषा थी। अगला जो है 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 284 अधिनियम हैं। 9वीं अनुसूची जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची के दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, जो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संशोधन जो संविधान में हुआ था 1985 में, उसी के द्वारा यह 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें दल बदल से संबंधित है। अगला जो है 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गया है। यह 73वां संशोधन के तहत 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें पंचायत राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए थे। आप लोग लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। इसमें अभी और भी बच जा रहे हैं, जैसे 12वीं अनुसूची अंतिम अनुसूची है और उसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।